गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम इस चैनल के माध्यम से नरेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, नरेशन यह इंपरेटिव सेंटेंस का पूरा हुआ ये ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम बताने चल रहे हैं। तो ऑपरेटिव सेंटेंस को कामनार्थक वाक्य कहते हैं, जब किसी वाक्य से कामना का भाव प्रकट हो तो ऐसे वाक्य को कामनार्थक कहते हैं, कामनार्थक वाक्य कहते हैं। तो जब ऐसे वाक्य डायरेक्ट में आ जाए तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित बातें या निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देते हैं। पहला नियम है, जब डायरेक्शन से प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो डायरेक्ट से डायरेक्ट में करते समय रिपोर्टिंग वर्ग सेट को ट्रेड में कर दीजिए। दूसरा नियम है, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए मे को सब्जेक्ट के बाद माइट में बदल देते हैं। तीसरा है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और वाक्य को जो ऑपरेटिव की तरह है उसको एक्साइटिव में बदल देते हैं। इस तरह का परिवर्तन ऐसे वाक्य में करते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे आया, रवि से मे गार्ड देश उम्मीद के चाइल्ड है, अब तो बदलेंगे, रवि प्रेड सेट का प्रेड हो जाएगा, प्रेड दैट सब्जेक्ट आएगा यहाँ दैट के बाद और मे को माइट में बदल देते हैं और यू सेकंड पर्सन है फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं या थर्ड पर्सन में बदल देते हैं, यू हो गया विद ए चाइल्ड हो गया। इसका हुआ रवि प्रेड दैट गार्ड माइट देश मी विथ ए चाइल्ड, इस तरह परिवर्तन हो गया। फिर इसके बाद अगला है, संजय सेड मे गॉड हेल्प यू, और इसका हुआ संजय प्रेड दैट गॉड पहले आया गॉड मे कमाई बदला माई हेल्प यू का मी हो गया, सेकंड पर्सन चैनल बाई फर्स्ट आर थर्ड पर्सन में बदल देते हैं, तो संजय प्रेड दैट गॉड माई हेल्प मी हो गया। अब इसके बाद पहला नियम समाप्त हुआ। दूसरा नियम है, जब वाक्य से कामना का भाव प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को विज में बदल देते हैं और शेष परिवर्तन पूर्ववत होता है। कामना वाले वाक्य, इसमें प्रार्थना वाले वाक्य थे, अब इसमें कामना वाले वाक्य, कामना की जाती है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को विज में बदल देते हैं। जैसे मोहन सेट में है मे यू लिव डाउन, हुआ मोहन सेट को विस्ट में बदल देते हैं, मोहन विस्ट भी हुआ, या तो मी को लिखते हैं या तो इसको हटा भी देते हैं, तो जाए मोहन विस्ट है यू को इसके अनुसार आई बदल दिए दैट आई माइट लिव लॉन्ग हो गया, मोहन विस्ट है मी को हटा भी सकते हैं लिख भी सकते हैं, उसे मी से कोई आसर नहीं, मोहन विस्ट दैट आई माइट लिव लॉन्ग हो गया। अगला राजेश सेट में है मे यू बी प्रॉस्पर इन योर लाइफ, इसका हुआ राजेश विज्ड मी दैट आई माइट बी प्रॉस्पर इन योर को बदले माई होगा माई लाइफ होगा। तीसरा है मीरा सेड मे यू हैप्पी योर जर्नी है, तो मीरा विज्ड दैट इसको बदले आई हुआ दैट आई माइट हैप्पी योर का माई बदल दिया माई जर्नी होगा, मीरा विज्ड दैट आई माइट हैप्पी माई जर्नी होगा, इस तरह से इसका परिवर्तन हुआ। अब इसके बाद तीसरा है, जब वाक्य से श्राप का भाव प्रकट हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेट को कास्ट में बदल देते हैं। अब जैसे है द हर्मिट सेट भी है मे यू डाई सून, अब इसको चयन करेंगे हर्मिट सेट का कास्ट हो गया कास्ट भी होगा दैट अब यू को आई मतलब इसके अनुसार बदले आई होगा आई माइट डाई सून हो गया, इस तरह हुआ द हैबिट कैश मी दैट आई माइट डाई सून हुआ। अगला है द शेयर सेट मी मे योर हाइपर गो टू हेल्प हुआ, तो जाए द शेयर कैश मी दैट माई हाइपर माइट गो टू हेल्प, इस तरह से आप ऑपरेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल